हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए हमने सबसे पहले तो दाल को रात में भिगो के रख दिया था। उसके बाद मॉर्निंग में हमने उसका भिगोई हुई दाल को धुल के उसका पेस्ट बना लिया। ये देखिए, इसका पेस्ट बन के रेडी है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेस्ट है। इसमें हमने कुछ नहीं डाला, केवल पेस्ट रेडी किया है हमने। इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद इस तरीके से इसको निकाला जाएगा इसमें से। फिर इसको निकालने के बाद हम इसमें कुछ तो इसके बाद हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, केवल सॉल्ट डालेंगे। फिर हमने जीरे को सबसे पहले तो तवे पे भून लिया था और उसके बाद हमने इसको प्रेस किया इस टाइप में। मान लो मिक्सी हमने नहीं यूज़ किया, मिक्सी का इसी पे हमने इसको प्रेस कर दिया था। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसका पूरा पेस्ट बना देंगे, प्रेस हो जाएगा। देखिए, फिर हम इसमें केवल सॉल्ट डाल देंगे, बस। सॉल्ट के अलावा इसमें कुछ नहीं डालेंगे हम, एकदम सिंपल सिंपल है ये, विदाउट एनी मिर्च। इसे हम सॉल्ट से ही बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा जब बनेगा। तो इसका हम इस तरीके से सॉल्ट को इसमें मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको इस तरीके से छानेंगे। अब देखिए, इसको हम इसको डीप फ्राई करेंगे। सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसमें ये दो मटेरियल डालना है, तीन बस। ये देखिए, हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं अब इस तरीके से। हम इसे इसका डीप फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं आप, कितना बड़ा हो जाता है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये देखिए, हमारा ये रेडी हो चुका है। हमने इसे निकाल लिया है। देखिए इस तरीके से ये कुछ बनके तैयार होगा। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग करने के लिए हमें चाहिए दही, जीरा, जीरे का पाउडर, भुना हुआ मिर्च और नमक। ये हम इस पे सबसे पहले दही सर्व करेंगे। दही डालेंगे, इस तरीके से खूब सारा। दही में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी भी कमी नहीं। दही एकदम अच्छे मात्रा में डालनी है हमें, ताकि टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो। टेस्ट दही की वजह से ही तो टेस्ट पड़ता है दही वड़ा में, क्योंकि इसका नाम ही दही वड़ा है, तो दही की कमी तो हम कर नहीं सकते। नो कंजूसी ऑफ दही। ये देखिए, अब हम इसका पाउडर डालेंगे, जीरे का जो पाउडर हमने बना के रेडी किया था, तो वो पाउडर हम डाल देंगे इस पर इस तरीके से, कुछ हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ये देख सकते हैं आप, इसी तरीके से आप भी डालिएगा। फिर उसके बाद हम डालेंगे ये नमक, सॉल्ट, ज़्यादा नहीं, स्वाद अनुसार, जितना कि आप खाते हैं उसी हिसाब से। इस तरीके से हम थोड़ा ज़्यादा खाते हैं सॉल्ट, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाला है। फिर हम ये रेड मिर्ची है, इसको हमने पेस्ट नहीं बनाया, पीसा नहीं है, इसे हमने क्रश कर लिया है, हाथों से ही क्रश कर लिया था थोड़ा, क्योंकि थोड़ा तीखा लगता है इस तरीके से करने से, थोड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। बाजार के लाल मिर्च आजकल अच्छे नहीं होते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये कितना टेस्टी बन के रेडी हुआ है। ये देखिए, बाद में भले खाना, अब इसको हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरीके से बनाओ, खाओ, रेस्ट करो, इट इज़ वेरी टेस्टी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।